नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 एचडी में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। माही हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भारतीय नवो संघ के संयुक्त तत्वावधान में भूमि लिंक रोड स्थित पार्क लक्ष्मी नगर व मथुरा माही हेल्पिंग ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव की स्मृति में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके चलते कार्यक्रम में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई गई, जिसके चलते एडवोकेट प्रतिभा शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं सभी डॉक्टर की टीम का पटका पहनाकर का सम्मान किया गया। इसी के साथ एसपी श्री कृष्ण जन्मस्थान आनंद कुमार ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। इसके उपरांत माही ट्रस्ट द्वारा एसपी का पटका पहनाकर एवं तस्वीर देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर माही ट्रस्ट की टीम ने डॉक्टर्स फॉर यू की टीम से डॉक्टर शिव नारायण, डॉक्टर सागर सेजवाल, संग्राम सिंह DIO, संतोष राघव DIO, डॉक्टर रिंकी चौधरी, मनीष NO एवं उनकी पूरी टीम का सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया एवं आभार व्यक्त किया। इस मौके पर माही ट्रस्ट एवं भारतीय नवो संघ की टीम से मैक्स श्रीवास्तव, खुशबू श्रीवास्तव, बासु शर्मा, सुनीता उपाध्याय, रजनी गुप्ता, अनूप चतुर्वेदी, विष्णु उपाध्याय, इंदु रावत, अंकित प्रजापति, सरोज संगल, ऊषा सैनी, निधि खंडेलवाल एवं इंदु जोशी आदि मौजूद रहे। आज जो है ये सुश्री माँ श्रीवास्तव जो पत्रकार है, अपनी माँ के स्मृति में उन्होंने मेहनत करके जो है ये जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोग्राम अपने मोहल्ले में आयोजित किया है, ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है और जिससे लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी, लोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। साथ ही साथ जो है जो ये जागरूकता का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भी ये चला रही है, जो सराहनीय प्रयास है, इसकी जो मैं प्रशंसा करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। और यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि आज यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। पहली बार दूसरी डोज कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन दोनों की लगाई गई है। आज यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के SP कृष्ण निशान आनंद कुमार जी एवं साथ ही साथ एडवोकेट प्रतिभा शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एडवोकेट हमारे साथ शामिल, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर और सभी